और G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे जर्मनी के म्यूनिख में आज पीएम मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। पीएम मोदी आज G7 के दो सत्रों में शामिल होंगे। इसके अलावा वो दुनिया के कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। कल पीएम मोदी UAE के दौरे पर जाएंगे और यूपी में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में और रामपुर में लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कमल खिलने पर पीएम मोदी ने जनता का आभार भी जताया है। पीएम मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार के यूपी में सुशासन और कानून की जीत हुई है। राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। G7 की बैठक में हिस्सा लेने जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आज कई अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे G7 के पहले सत्र में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य मुद्दे पर होने वाली चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे पर होने वाली चर्चा में शिरकत भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। जर्मनी दौरे के पहले दिन म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। पीएम मोदी ने 26 जून को याद करते हुए इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के DNA में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे पीएम मोदी ने कल अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। दो देशों की यात्रा के दौरान ये पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय बैठक थी। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति अल्बर्टो के साथ म्यूनिख में अहम बैठक हुई। दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग से हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के दौरान विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले विपक्षी दलों की बैठक होगी। नामांकन दाखिल करने के बाद यशवंत सिन्हा समर्थन जुटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा राज्यों के दौरे पर जाएंगे। NDA ने ओडिशा के आदिवासी समाज से आने वाली और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले यूपी के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में BJP ने अपना परचम लहरा दिया है। आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्मों के स्टार BJP के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने SP के धर्मेंद्र यादव को 8,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया, जबकि रामपुर में BJP के घनश्याम लोधी ने SP के आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। जीत के बाद लखनऊ में पार्टी ऑफिस CM योगी के साथ जश्न मनाया गया। योगी ने कहा 2024 में सभी 80 सीटों पर जीत होगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। संगरूर से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर गुट के सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह को करीब 6,000 वोटों से हरा दिया। इसके अलावा देश के 4 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट पर आपके दुर्गेश पाठक को जीत मिली, जबकि त्रिपुरा की 4 सीटों में से 3 पर BJP का कब्जा है। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह करेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेंगे और 4 साल के लिए भर्ती वाले अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करेंगे। इससे पहले कल रविवार को कांग्रेस ने 20 राज्यों में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस ने कहा कि इस योजना के जरिए सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 7 विकेट से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच 12-12 ओवर का कर दिया गया था। डबलिन में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट गंवाकर 108 रन बनाए। जीत के लिए मिले 109 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 10वें ओवर में हासिल कर लिया। कल सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मध्य प्रदेश ने 41 बार की विजेता मुंबई की टीम को हराकर पहली बार चैंपियन बना है।
बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया। पहली बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनने पर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीम के सदस्यों को फोन पर बधाई दी। रणजी ट्रॉफी विजेता बनने के बाद ग्वालियर में शिवराज सिंह ने टीम के सदस्यों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश जीत गया, बहुत बहुत बधाई।